हैशटैग बच्चन बांटेगी मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। मैं भगवंत मान ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल पांडे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री का ताज भगवंत मान सिंह के सिर पर सजा है। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में बुधवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मान ने पंजाबी भाषा में सीएम पद की शपथ ली है। भगत सिंह के गांव खटकड़ कला गांव में आयोजित भव्य समारोह में राज्य के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान भगत सिंह के गांव को बसंती रंग में रंग दिया गया और यहां पहुंचे अधिकतर लोग भी बसंती पगड़ी में और बसंती रंग के ही दुपट्टे पहने हुए नजर आए। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली सरकार के सभी मंत्री मौजूद थे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि बोरी को खोलने के लिए डोरी का सही सिरा नहीं मिले तो सब उलझ जाते हैं, लेकिन सही सिरा मिल जाए तो बोरी खुलने में आधा सेकंड लगता है। हमें मिलकर इस उलझी हुई बोरी का सही सिरा ढूंढना है। अब ये बात सिलेबस में आएगी कि कब पंजाब के लोगों ने बिना किसी लालच के वोट दिया था, तो तारीख दर्ज होगी 20 जनवरी 2022। कल्ले कल्ले बंदे नूं साथ देना पऊगा। असी साथ ही मंगिया सी, तुसी तुहाडे तों तुसी दित्ता। जिवें दिल्ली दे विच लोग स्कूल देखण आउंदे आ, विदेशां चों महल्ला क्लीनिक देखण आउंदे आ, बिल्कुल उसी तरह आपां पंजाब दे विच स्कूल हस्पताल इस तरह के बनावांगे कि बाहरले मुल्क वाले इत्थे आके देख के फोटो खिचा के जाया करन कि आ हैगा। तुसी इतिहास रचता 10 मार्च नूं पंजाबियों का नाम सुनहरी अखरां च लिखा गया और आने वाले सालों च सिलेबस च पढ़ाया जाया करूगा कि लोगों ने बिना किसी डर तो बिना किसी लालच तो वोटां पाउणियां कदों शुरू कीतियां सी, उहदा सही उत्तर होगा 20 फरवरी 2022। भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब के इतिहास में 10 मार्च 2022 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाले सालों में पढ़ाया जाएगा कि लोगों ने बिना किसी डर बिना किसी लालच की वोट दिया है। इसका सही उत्तर होगा 20 फरवरी और इसका नतीजा 10 मार्च को आया। आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेगी और जनता के हित में फैसले करेगी। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।